आज एक बार फिर साबित हो गया कि अपराधी और गद्दारों की कोई जाति धर्म नहीं होता। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। ये बात जो मैंने आपको बताई है कि अपराधियों का कोई जाति धर्म नहीं होता, वो मैंने इसलिए कही है क्योंकि आज कानपुर से खबर निकलकर सामने आई है कि बिकरू कांड में आरोपी तत्कालीन चौबेपुर एसओ विनय तिवारी और चौकी इंचार्ज के शर्मा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें, ये दोनों अपराधी विकास दुबे को मौके से भगाने और मदद करने के दोषी पाए गए हैं। फिलहाल ये दोनों पुलिसकर्मी जेल में हैं। इन दोनों अपराधियों की विकास दुबे के साथ फोटो भी मिली हैं। पूरा मामला क्या है, पहले हम संक्षिप्त में यह जान लेते हैं, फिर आगे और विस्तार से बात करेंगे। कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने बीते 2 जुलाई 2020 की रात अपने गुंडों के साथ मिलकर सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। बिकरू कांड के बाद यूपीएसटीएफ ने विकास दुबे सहित 6 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया था। इस मामले में 36 आरोपी जेल में बंद हैं। बिकरू कांड के बाद तत्कालीन एसओ विनय तिवारी और दरोगा के शर्मा पर मुखबरी के आरोप लगे थे। वहीं एसआईटी की जांच में भी विनय तिवारी और दरोगा दोषी पाए गए थे। दोनों ही पुलिस कर्मियों को अरेस्ट कर जेल भेजा गया था। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि देश में लगभग सभी काम जाति धर्म को देखकर ही किए जाते हैं। कुछ विशेष जातियों ने अपने आप को समाज में श्रेष्ठ होने का झूठा पाखंड फैला रखा है, और तो और ऐसी जात के लोगों से जात पर सवाल उठाए जाने पर वो बड़ी बेशर्मी से जवाब देते हैं कि साहब, जात तो कर्म के आधार पर होती है, जन्म के आधार पर नहीं। देश के साथ गद्दारी करके देश के जवानों की जिंदगी मुसीबत में डाल के सरेआम अपराधियों को संरक्षण दे के वो जात समाज में जन्म के आधार पर श्रेष्ठ कैसे हो सकती है, यह मेरी समझ से परे है। इसलिए हमने कहा था कि आज एक बार फिर साबित हो गया कि अपराधी और गद्दारों की कोई जात धर्म नहीं होती। एक तरफ जहां जो भी प्रचार प्रसार और मनोरंजन के माध्यम है, उनमें केवल एक विशेष जात के लोगों को ही नायक के रूप में दिखाया जाता है, तो यहाँ पर सवाल मेरा उनसे है जो इस तरह के प्रोग्राम बनाए जाते हैं कि आखिर वो एक विशेष जाति के लोगों को ही क्यों नायक के रूप में दिखाते हैं। क्या इस देश के अंदर और भी जातियां नहीं है? क्या और जातियों के लोग भी हिम्मत करने वाले, साहसी, अच्छा काम करने वाले नहीं होते हैं? क्या किसी विशेष जाति के लोग कभी अपराध नहीं करते हैं? इस बात का जवाब मैं मानता हूं कि उनके पास नहीं होगा, क्योंकि इस बात को वो खुद मन में समझते हैं, लेकिन एक प्रोपेगेंडा के तहत इस देश की भोली वाली आबादी को षड्यंत्र के तहत मूर्ख बनाने के लिए इस प्रकार के टाइटल रखे जाते हैं, चाहे तो मूवी हो या नाटक हो या सीरियल, जो भी प्रचार प्रसार के माध्यम होंगे। तो आपने कई बार सुना होगा, ये फलाने जी इन्होंने ऐसा काम किया, ये फलाने जी ऐसा काम किया। और जहाँ पर ब्लैंड की बात आती है, तो खुल्लम खुल्ला बता दूँ, यादव जी अधिकतर जहाँ पर मैंने बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में देखा है या भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, यादव जी ही विलेन बनाए जाते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।